गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन बित रहे हमारे ध्यान। 8 बजे हमने सदा शुरू की थी और 9 बजे समाप्त कर ली है। अब मेरा तो एक प्रश्न का समय है और गुरुदेव की वाणी गुरुदेव के बारे में कुछ कहना ये सब प्रवचन का ही अंश है। इनमें दोनों में भेद करना मेरे लिए संभव नहीं है। जो भी मैं कहूंगा दो एक बातें सामान्य तरह कहना चाहता हूं कि आज की मेरी गोष्ठी में सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखी कि अत्यंत गंभीरता पूर्वक ये गोष्ठी चली। सर ने जो बात की बिल्कुल प्रयोजनभूत बात की, यहां वहां की गप्पे नहीं लगाई और दूसरी बात ये देखी कि किसी ने उमराला को याद नहीं किया, किसी ने पालेज को याद नहीं किया, माने गुरुदेव के आरंभ के 45 वर्ष किसी ने छुए नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं बिल्कुल रंज मात्र भी इस बात को कहीं किसी को कहा नहीं गया। मेरे भी मन में अभी आई, मेरे भी मन में ये बात नहीं आई थी। तो जिनको किसी को इस बात का ट्रेंड किया गया हो और शांति जी ने तो अपनी पहली बात में ये कह के ये महावीर जयंती ही गुरुदेव की असली जयंती है। जिस दिन उन्होंने ये विश्वनाथ जैसी संपदा का भेष छोड़कर और दिगंबर जैन धर्म के श्रावक के रूप में स्वीकार किया था और लगातार 45 वर्ष तक अनवरत रूप से हमें उन पूज्य गुरुदेव श्री का सत्समागम प्राप्त हुआ। सब नहीं होता है 45 वर्ष, जो 45 वर्ष का हो गया हो उससे फिर कोई ये आशा नहीं करता कि ये अब और 45 वर्ष तक हमें तत्व ज्ञान समाया। यानी 45 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये दिगंबर धर्म स्वीकार किया था और लगातार 45 वर्ष तक एक बात की तरफ मेरा ध्यान और जा रहा है। अब क्या कहूं, सौभाग्य दुर्भाग्य के भेद में बांटना मुझे उचित नहीं लगता, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री का जो भी संपत्ति, जो भी प्रवचन, जो भी उनकी वाणी हमें उपलब्ध है वो भी सब उसके बाद की ही है। कोई ऐसा एक प्रवचन कि जो पहले उन्होंने दिया था और वो हमारे पास टेस्टों में उपलब्ध है, तो यदि किसी के पास हो तो मैं उसे सुनना चाहूंगा। इतनी ये सहज सहज बात है। और इसके साथ एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, जब गुरुदेव श्री ने दिगंबर धर्म स्वीकार किया उसके बाद मेरा जन्म हुआ उसी वर्ष से। इसलिए मैं पहले से कहता रहा हूं, सबसे पहले मैंने इंदौर में कहा था जब जयपुर नहीं आया था 51 वर्ष पहले किसी के प्रश्न के उत्तर में, गुरुदेव श्री को तुम गुरुदेव क्यों कहते हो, ये तो नए दिगंबर हैं, अपन तो पुराने दिगंबर हैं। मैंने कहा हमसे पुराने दिगंबर हैं,
जब हम कैसे दिगंबर हैं, हमारे माँ और बाप दोनों दिगंबर धर्म को मानते थे, बस मानते थे कि हम दिगंबर जैन हैं। दिगंबर जैन किसे कहते हैं ये जानते नहीं, उनके घर में पैदा हुए, बस हम तो ऐसे दिगंबर हैं। बोलो तो हमारी और क्या क्वालिटी है, जब हम पैदा हुए आज से मान लो उस वर्ष में जब हमारे पास दिगंबरत्व था, लेकिन पूज्य उदय श्री ने तो उसके दो चार महीने पहले, दो चार वास्तव में तो 20 दिन पहले, 40 दिन पहले, क्योंकि 40 दिन बाद मेरा जन्म हुआ। गुरुदेव ने महावीर जयंती के दिन छोड़ा है, जन्म स्वीकार किया। महावीर जयंती के 20 दिन बाद स्वामी जी की जयंती आती है, और स्वामी जी की जयंती के बाद 20 दिन बाद भाग्य से मेरा जन्मदिन पर 40 दिन बाद में, 40 दिन पहले। गुरुदेव ने वो जो बताया ना अपनी दिन, उसमें भी वो 40 दिन बाद की करीब बात है, देखना जाके। तो पूज्य गुरुदेव श्री तो हमारे जन्म के पहले कन्फर्म दिगंबर, बुद्धिपूर्वक बने दिगंबर, जिनने सोच समझ के दिगंबर बने थे। हम भी सोच समझ के बने दिगंबर थोड़ी है, जब श्वेतांबर कुल में पैदा हो गए होते तो श्वेतांबर होते, हम हिंदू धर्म में पैदा हो गए तो हिंदू होते, और दुर्भाग्य से सौभाग्य से जो भी करता हो मुस्लिम धर्म में पैदा हो गए होते तो मुसलमान होते, पाकिस्तान में पैदा हो गए तो पाकिस्तान। माने हमने बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं किया, लेकिन उनने तो बुद्धिपूर्वक इस दिगंबर धर्म को अध्ययन कर करके वर्षों की कठोर मेहनत के बाद जिनवाणी का स्वाध्याय करके और सारे वेद की परवाह किए बिना, योगेश ने एक बात क्वालिटी पर ध्यान दिलाया था, उन लोगों के बीच में बैठकर जिस एरिया में गुरुदेव जन्म हुए, चारों तरफ श्वेतांबर भाइयों से घिरे हुए थे ना, आनंदवादी समाज में तो पैदा ही हुए थे, दंके की चोट कहा तो ये सच्चा धर्म नहीं है, सच्चा धर्म तो दिगंबर धर्म है। और ये किसने बताया हमें, टोटल मंत्री ने उन लोगों को 5वें अध्याय में रखा है, अजैनियों के साथ रखा है, उनके प्रकरण में रखा शांति जी, ये भी कुछ गुरुदेव श्री ने ही हमें बताया। अपन लोगों का महाभाग्य है, अपन लोग उस जमाने में पैदा हुए कि जिस जमाने में पूज्य गुरुदेव श्री इस कार्य में, और अधिक भाग्यशाली अपने साथ में है, यदि हम 50 साल 100 साल पहले पैदा हो गए होते तो भी हम बेकार चला जाता, और 150 साल बाद पैदा हुए होते तो जैसे तुम कह रहे थे यद्यपि इन लोगों ने उनके दर्शन नहीं किए, उनमें हमारी गिनती होती। लेकिन उसी पीरियड में, ठीक उसी पीरियड में है, बिल्कुल बहुत कम सौभाग्य की उसके तक की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज तो आप कितने अच्छे 1000 साथी हैं आपके, उस वक्त एक भी साथी कोई नहीं था, एक शास्त्री ऐसा नहीं था जो पूज्य गुरुदेव श्री के मिशन में शामिल हो।
हम शास्त्री थे, हमने पूरा शास्त्री पढ़ लिया, प्रवचन करते थे और तैयार भी ऐसे थे कि तत्वा सूत्र के पहले सूत्र से अंतिम सूत्र तक और अंतिम सूत्र से पहले सूत्र तक उल्टा भी सुना देते थे। इस तरह से हमारे विषय तैयार थे। मुझे पक्का याद आ रहा है कि मैं पारोली में स्कूल में हेडमास्टर बन गया था 17 वर्ष की उम्र में, तो वहां की एक लाइब्रेरी थी, उसमें कहीं 150 किताबें थी, तो मैंने 5-6 महीने में सब पूरी पढ़ ली एक लाइन से लगा के। यहाँ के ऐसा कोई ने नहीं पढ़ा होगा, एक लाइन से एक किताब नहीं छोड़ी। फिर मैं भीलवाड़ा आया और भीलवाड़ा में जो जिन सेठ जी ने मुझे वहां भेजा था उनका नाम था कस्तूर चंद जी अजमेरा, जो मेरे दादाजी की उम्र से भी बड़े थे। मैं था 17 वर्ष का और वे होंगे कम से कम 90 वर्ष के। उनका मेरा समागम हुआ था समझ लीजिए, तो मैंने कहा मैं नहीं रहूंगा बारौली में। बोले तो क्यों? मैंने कहा वहां पढ़ने के लिए कुछ मिलता नहीं। तो उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, आज भी मुझे दिख रही है वो। मान क्या समझे ना कि वो बोले कि इतनी किताबें हैं, जो किताबें कितनी ले जानी हो ले जाओ, किताबें नहीं है ये क्या कह रहे हैं? ये किताबें इनको पढ़ पढ़ के तो दिमाग सड़ गया। ऐसा बोला था मैंने इस गद्दी पर बैठ के कह रहा हूं समय सार सामने। क्या बोला था? ये माने राजवार थे, ये माने सारे जैन साधु थे, सारे साधु थे। उन्हें देख के मैंने कहा इनको पढ़ते पढ़ते तो दिमाग सड़ गया है, अब तो कोई अच्छी चीज। और उस जमाने में कुछ गुरुदेव जी का समझते सब समागम मिल गया, तब तो ज्ञान मिल गया न, मन बुद्धि कहाँ जाती कैसे जाती, चुनाव में खड़े हुए थे, चुनाव भी जीते थे, न मालूम कहाँ पड़े होते, राजनीति में पड़े होते, बटारा में पड़े कहाँ पड़े होते, मतलब मनुष्य वह बर्बाद हुए बिना नहीं रहा होता। ज्ञान की से और कुछ गुरुदेव का सब समागम मिल गया और उसमें ये बुद्धि हुई कि उसने उसे स्वीकार किया। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा पूज गुरुदेव जी की देन मैं दूसरा कुछ भी नहीं। और मैं आज जिनवाणी के सामने कहना चाहता हूं कि जिस दिन से तिरुपति बाजार की श्रद्धा सबसे पहले मुझे हुई, मैंने जाना, उस दिन से आज तक करीब 63 वर्ष हो गए हैं, एक क्षण भी उसके संदर्भ में चित्त में शंका खड़ी हुई। फिर भी मैं ये अनुभव करता हूं कि उसकी बहुत कुछ गहराइयां होंगे जो रत्न और रहस्य थे वो अभी पूरे उपलब्ध नहीं हुए थे, अब धीरे धीरे उपलब्ध हो रहे हैं। अवे जी हाँ चले अभय जी ने बहुत सुधार किया है। मैं पहले भी कई वो कहते थे कमेंट की और मैंने बहुत उनकी आलोचना की है सभाओं में ना, लेकिन मैंने अभी देखा इस कर्म कल्याण में कि उनमें काफी सुधार हुआ है, खासकर गंभीरता आई है, हल्का तो कम हुआ है, तमाम इतनी गहरी तत्वता इन निर्णयों से कराते हैं और कहां पूरा मजाक करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लगता नहीं था और मैं निरंतर कहता रहा, लेकिन उनमें बहुत अंतर दिखा, मुझे इस बात की बहुत खुशी मिला। गुरुदेव श्री की बात क्या करें, बहुत चीजें ऐसी याद आती हैं
तो ये तो सब अभिजीत वगैरह सुनाते रहते हैं जो दूरदर्शन में मेरे बारे में तब क्या कहा, कहाँ से कहाँ उठा के कहाँ बैठा रहा, कब नारियल दिया। मैं तो वो बातें कहना चाहता हूँ कि मेरे पर जो तात्विक संकट आए और मैं गुरुदेव श्री के पास गया और किस तरह है मैं गुरुदेव श्री का मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला, ऐसी सैकड़ों बातें मेरे लिए हम में है। कभी समय मिला तो कहूंगा और कभी मौका मिला तो लिखूंगा, लिख नहीं सकता। एक बात थोड़ी सी बात सुनाता हूँ गुरुदेव श्री की महिमा के लिए बताता हूँ। मैं जयपुर में प्रजन कर रहा था और गुरुदेव के स्थायी श्रोता और गुरुदेव के मोह लगे हुए एक श्रोता में बैठे हुए थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा भगवान ने राजमंडी जयंत प्रताप मंगाई। जो लोग जानते हैं मैं वो जानते होंगे वो किस किस टाइप के आदमी थे, शायद मुझे कोई नहीं दिखता है उनके व्यक्तित्व का मैं कैसे बखान करूं। आप सुनने ना, वो गुरुदेव के मोह लगे हुए थे। मैंने कहा कि देखो भगवान का जो केवल ज्ञान है तो उसमें प्रत्येक परमात्मा प्रकाश में आया है ना, कि यदि ऐसे अनंत लोग होते तो वे उन्हें भी जान लेते। और बेल का उदाहरण दिया है कि पेड़ और लंबा होता तो बेल और ऊपर चली जाती, क्योंकि अब पेड़ जितना है बेल भी उतनी ही ऊंची गई है, ये उदाहरण दिया। तो मैं कह रहा कथा ये तो व्यवहार का कथन है, महिमा बताने के लिए लिखा है, इसमें कोई दम नहीं है, सत्य नहीं है। परमात्मा प्रकाश में लिखा है और वो मैं परम क्यों। तो मैंने ये कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि केवल ज्ञान ज्ञान उनकी पूर्ण विकसित पर्याय है। कभी यदि है तो तुम तो ये कह रहे हो कि देह की कमी पड़ गई ही है, विद्यादा का ज्ञान नहीं हो पाया। यदि और अनंत देह होते तो उन्होंने जान लेता, इसका मतलब पूर्ण विकसित पर्याय नहीं। उन्होंने व्रत के विरोध किया, मैं भी सभा में जयपुर में वो सुन रहे चले गए, वहां पर छह महीना साल भर रहता रहते थे, साल में छह महीना तो रहते ही रहते थे। और वहां उन्हें आगे गुरुदेव सिंह से धर्म सभा में सबने हल्ला उल्ला किया कि वो डॉक्टर भारत ऐसा ऐसा कहते हैं, अब वो अब तो सूर्य नमन का अब तो बस खत्म, अब डॉक्टर भारत जी बन बच गए, अब तो बस गुरुदेव सुनेंगे, क्योंकि गुरुदेव भी अपने प्रोजन में कही गए कहते थे देरी बात ये क्या होगा। तो गुरुदेव ने कहा चुप रहो, 15 दिन बाद वो आने वाले हैं, उनसे बात करेंगे फिर अपने करेंगे जो भी कहना होगा। 15 दिन बाद मैं गया तो सारा वातावरण ऐसा था कि अब देखो अब क्या होता, अब क्या होता, अब क्या होता। कुछ गुरुदेव श्री ने मेरे से पूछा तुम्हें क्या बात हुई थी जयपुर में, तो मैंने बताया ऐसी ऐसी ये गाथा है, ये है ये है, और मैंने सारे तर्क दिए कि केवल ज्ञान ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय है और ये अनंत होते तो हमको जान देता, ऐसी शक्ति उसमें नहीं है ज्ञान गुण में, तो पूर्ण विकसित हो गई है। कल्पना लोग का प्रश्न खड़ा करके आप वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करना चाहते हैं, ये महिमा बताने के लिए तो आप कह सकते हैं हमने तुमसे 363 दे दी और दे देगी दे देगी, इनसे कोई वस्तु का प्रतिपादन नहीं होता। वस्तु स्थिति तो यही है कि केवल ज्ञान में जितने गे हैं उनको उसमें है के रूप में जाना और बाकी नहीं है के रूप में जाना, क्या रह गया बात तो जितने लोग हैं तीन वे तो केवल यानी ने जाने और इसके अलावा नहीं है, ये तुम्हें पता है कि नहीं, ये कहां से पता है, सात उन्होंने लिखी तो ये किसने जानी थी,
उसी केवल ज्ञानी में ये भी जानी थी कि अनंत लोक नहीं है, तो होते तो ये एक तो वाले तत्व का ढूंढा है। गुरुदेव इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने बहुत सच्ची बात, एकदम सच्ची बात। बोलो गुरुदेव नहीं होते कौन बचाएगा? ऐसी घटना और आपको तो बताऊं, उसको घटना तब भी है जब हीरा जी कह रहे हैं, उन्होंने मिलने दे रहे हैं जिनके वो हाथ कटा है, देखे जानते हैं ना, वो राजनीत जी उन्हीं के गांव के थे, दोनों एक ही गांव के थे, एक ही मोहल्ले में रहने वाले थे, एक छावरा थे उठता थे। तो जब वो हाथ कटा था तो उनकी लड़की की बारात में हम भी गए थे, लखनऊ बारात गई थी, और लखनऊ से लौट के आगे हम जयपुर उतर गए थे, और वो लोग आगे सोमने के लिए जा रहे थे भावनगर। तो यहां से एक घंटे बाद ही फुलेरा स्टेशन है ना, तो फुलेरा स्टेशन पर उनका हाथ कट गया, इतना पूरा हाथ अलग हो गया, और हमारे पास बराबर फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया, हम लेके आ रहे हैं, अब डॉक्टर को तैयार रखें, और 10-20 बोतल फूल तैयार रखें। हमें रात के 12 बजे यहाँ जाकर के अस्पताल में हम डॉक्टर लोग हमारी पहचान नहीं थे, उनको तैयार रखा और सब लोगों को तैयार रखा, खून लेने वालों को, वो कह रहे राज मिला कह रहा है। तो उनमें महीनों शशि भाई जयपुर में रहे थे इलाज के सिलसिले में, तो हमारे भी प्रश्न होते थे, उनके भी होते थे, और वो नमन उनके दिल में क्या था, तो हमसे बार बार पूछते थे कि आप कुछ गुरुदेव श्री को संबंधित नहीं मानते हैं, कैसी बात करते जन्मदशी मानते हैं? हमें तो कोई ऐसा नहीं दिखता है कि जिसमें एक क्षण भी उनके जीवन में, उनकी वाणी में, उनके रहन सहन से जब भी हम वे कहते जन्मदशी नहीं है, हमें तो स्पष्ट ध्यान देता है। बोले आप गारंटी से कह सकते हैं? गारंटी तो तेवली के अलावा कोई पूछा नहीं है, केवल ज्ञानी ही गारंटी दे सकता है कि वे कब हुए, कैसे हुए, कितने हुए हैं या नहीं है, हम नहीं कह सकते, शास्त्र की बात है। बोले जब से देखे वैसे लगातार है ये सारे प्रश्न। हमने कहा है, हमने तो ये पढ़ा है कि वे पंडित क्षयोपशमी उपशमी, इनकी अवस्था तो लोहाई की संगाती है, क्षण मानी आग मानी, क्षण मानी पानी मानी, क्षण में मिथ्या, क्षण में ज्ञान कहला भाती। हम क्या कह सकते हैं? एक क्षण में लोहार की संगाती समझते हैं, वो संसी होती, एक पानी में डालते हैं, गर्म उठाते हैं, पानी में डालते हैं, अब ठंडी है क्या गर्म, जब ठंडी बोलो तो गर्म हो जाती है, गर्म बोलो तो ठंडी हो जाती है। ऐसा थ्रोसन समय दृष्टि की, उत्सवी समय दृष्टि की, क्षण में समझात्व और क्षण में ज्ञान कला जारी है। एक क्षण में मिथ्यात्व, दिन में 100 दफे समय दृष्टि हो जाए और 100 दफे मिथ्यात्व हो जाए, क्या करें? एक एक क्षण का कौन जान सकता है तेजी के अलावा? ये बात है। 4-5 वर्ष बाद, 4-5 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ, पूज गुरुदेव श्री से राधे सचिव भाई ने एक कान में भरा कि डॉक्टर भारे नाथ को समय दृष्टि नहीं हुआ, लेकिन आज का झगड़ा नहीं है कि गुरुदेव के सामने जब उतर आया। भी तो गुरुदेव ने ये कहा कि वो आएंगे जब उन बात करने में, तब मैं गया तो गुरुदेव ने मेरे से पूछा क्या बात हुई थी, कब हुई थी, तो मैंने कहा जब ही अदाल का हाथ कटा था तब बात हुई थी, तो इससे तो 4-5 वर्ष हो गए। हाँ, 4-5 वर्ष, 4-5 वर्ष से उनने क्यों नहीं बताया?
यदि उन्हें मुझसे कुछ कहना था तो 5 वर्ष पहले आपने कहा था तो 5 वर्ष पहले कहना था। अभी कोई आपका झगड़ा हुआ है? झगड़ा तो क्या हुआ, थोड़े नाराज हो गए। जो भी कारण रहा होगा मैंने बताया होगा। फिर मैंने गुरुदेव ने क्या कहा था, मैंने सारी बात सुनाई, एक छंद भी सुनाया, ये भी सुनाया, कहीं केवली के अलावा कोई नहीं मान सकता। ये सैद्धांतिक बात मैं पूछी, मैंने बताई आपके बारे में पूछा, कंट्रीब्यूशन में रहा तो मैंने तो ये बताया। कभी मुझे तो कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखता है कि जिससे मैं कहूंगा मैंने सुनना दर्शन नहीं। जितना मैंने देखा मुझे 45 साल का अवसर मिला, लेकिन 10-20 साल तो मैं बच्चे ही था। समझे, मुझे 21 वर्ष की उम्र से पूरी गुरुदेव श्री के दर्शन हुए और तब से जब तक उनका स्वर्गवास नहीं हुआ तब तक निरंतर मैं उनके समागम में रहा। तो मुझे एक क्षण भी ऐसा नहीं दिखा कि जब मैं ऐसा लगा हो कि गुरुदेव संतुष्टि नहीं है। मैं ये कह सकता हूं, मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं कि गारंटी ले सकूं किसी की। ये बात तो तभी की है, गुरुदेव का बिल्कुल सही है। ये सब होगी भारी सभी सभा में, सैकड़ों लोगों के बीच में, तो ऐसे कई दफे आया समझ में, ऐसे प्रसंग बने हैं कि जब तक छुट्टी हो गई होती खुद गुरुदेव सिंह की कृपा से इस तत्व ज्ञान के बल पर, इसी की महिमा से ये समझ लीजिए कि उनकी कृपा अनंत अनंत थी, लौकिक दृष्टि से भी और पारलौकिक दृष्टि से भी, तत्व ज्ञान की दृष्टि से। देखो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा हम क्यों आती है, इसलिए धीरे धीरे उमराला में पैदा हुए थे। कोई उमराला बहुत ऐसी कोई अद्भुत जगह नहीं है, इसलिए नहीं कभी पाले में दुकान करते थे। तो इसलिए हम जब देखते हैं, उनकी वाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसी सैकड़ों बातें निकलती हैं कि हमको अंदर से पक्का भरोसा होता है कि गुरुदेव ने ये बात नहीं पकड़ी होती और नहीं लिखी होती तो हम नहीं निकाल सकते। इसलिए हमें उनकी जनवाणी तो हमारे सामने होती और गुरुदेव नहीं होते, तो हम इसे पढ़ते और ऊपर ऊपर निकल जाते। अभी ये बता रहा है ब्रह्मा जी का क्या नाम उसका सही नाम, तो वो चाका भी ऐसे निकाल देते, हलु का अर्थ भी निकालते थे, बही का अर्थ भी निकालते थे। ये संस्कृत साहित्य में पूरक शब्द कहलाते हैं। पूरक समझते हो ना, जैसे जो मकान बनाते हैं तो ईंटों से चुनते हैं ना, और पत्थरों से चुनाई करते हैं दीवार की, तो पत्थर एड़े टेड़े होते हैं, हंसे कड़े नहीं होते हैं, तो बीच बीच में पत्थर की क्रांचें लगानी पड़ती है ना, क्या बोलते हैं उनको छपरियां, क्या क्या ऐसा तुम बोलती है। ऐसे कोई कविता लिखनी हो तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बीच बीच में ऐसे लगाने पड़ते हैं। एक से साथ मुझे कविता लिखना सिखा दो तो उसमें क्या है, अब भी यार बताता हूं 2 मिनट में सिखाता हूं। क्या कि कहीं कुछ नहीं आया तो 4 लिख देना, फिर कुछ नहीं आया समझ में तो फलू लिख देना, फिर कुछ समझ में नहीं आया तो दही लिख देना, कुछ नहीं आया समझ में तो ही लिख देना। तो बेचारा बैठा 1 घंटे का सोचता रहा, कुछ समझ में नहीं आया तो उसमें 4 लिख दिया, फिर समझ में नहीं आया तो ही लिख दिया, फिर समझ में नहीं आया तो फलू लिख दिया, फिर समझ में नहीं आया तो दही लिख दिया, फिर समझ में नहीं आया तो 4 लिख दिया। लेकिन बहुत बढ़िया कविता बन गई, सही खल भई सही खल भई सही खल भई सही। और अब कोई महापंडित आ गया तो उसका हाथ भी निकाल देगा, इन्हें धरती का शब्द बोलते हैं। कहीं एक अक्षर कम पड़ जाए, ज्यादा हो जाए तो इनसे काम चला लेना। जैसे खनुमाने भी निश्चय से होता है, ही माने भी निश्चय से होता है,
चामाने और होता है, बड़ी माने भी निश्चय से होता है। मेरे कहने का अर्थ निरर्थक शब्द नहीं है, लेकिन निरर्थक बगल भी लगाए जा सकते हैं, ऐसा भी प्रयोग हो सकता है। तो कुल पूर्वे श्री जहां से वो अर्थ निकालते हैं, मैं सोचता हूं कि गुरुदेव नहीं होते, और ये बात मैं पढ़ता तो ये मेरी समझ में आती है नहीं आती, 90% ऐसा होता कि नहीं आती, तो लगता है कि हम कहां गए हैं और गुरुदेव कहां, इसलिए हम गुरुदेव के भगत हैं। क्या सुने, वे कहां से आए थे और कहां जाएंगे उसे नहीं पड़ता। हजारों लोग हैं, कहीं से आए हैं और कहीं जाएंगे, ये तो नकली है ना। कुछ गुरुदेश भी शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष जाने वाले हैं, और बात में शंका हो चाहे ना हो, और बात का प्रूफ मांगो चाहे ना मांगो, इसका तो प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों, एक न एक दिन हम और तुम ही तो जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले हैं, बोलो, हर भक्त जाने वाले हैं, 6 महीना और 8 महीने में 6 आदमी जाने वाले हैं, तो वो तो निकट भक्त है, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। उनकी इतनी की रुचि देखकर ये तो हम निर्णय कर ही सकते हैं कि वे निकट भक्त हैं, इसलिए मुझको ये जाना स्वीकार नहीं है कि बहुत उनके स्वर में गए हूं। हम उतने काल से संसार में उनसे रहने को उनकी इच्छा नहीं है। क्या समझना है, ये तो एक सुनिश्चित भविष्य है, लेकिन दो जिनवाणी का मरम, एक 6वीं क्लास भी जो पास नहीं थे, वो भी गुजराती मीडियम से संस्कृत और प्राकृत भाषा के ग्रंथों का अर्थ बिना किसी गुरु के पढ़ाए, और ऐसे जगह पैदा हुए कि जहां तत्व की गंध भी नहीं थी, कोई तो सत्समागम नहीं था, ये समयसार का आत्मख्याति का मर्म समझ लेना आप क्या समझते हो, साधारण बात है। हमारा योगेश कहता है ईश्वर पीएचडी हो सकती, ईश्वर पीएचडी हो सकती, मैं कहता हूं इस बात पर सो पीएचडी हो सकती, बोलो आप विचार तो करो, उनकी क्या एजुकेशन थी, कहां पैदा हुए थे, कैसे संयोग में थे, नहीं क्या रही, देखो वहां पर पढ़ाई थी, फिर वो 22 वर्ष जमीन पड़े, दीक्षा ले ली, फिर दीक्षा ले ली तो सुबह से शाम तक वो क्रियाकांड कैसा होता है, दो चार तक वहां लेके आओ ना, देख के आओ 10-5 दिनों की संगति में कैसा कैसा क्रियाकांड होता है उनके यहाँ, मन आनंदवादी संप्रदाय में कह रहा हूं मैं, सुबह से शाम तक उसमें दे रहे, ऐसे के बीच में समय सार पढ़ लिया, समय सार मिल गया, उस बिना किसी के समझाए समय साल का मरम समझ लिया, ये साधारण बात है। हम तो इस वजह से उनके भगत हैं, हम तो इसलिए उन पर निछावर हैं, हमने अपना जीवन तो उन पर निछावर इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने एक जैन तत्व ज्ञान का असली मरण उनके ख्याल में आ रहा था और उनने जगत के सामने रखा। दो महापुरुषों की मैं बात करता हूं, एक ही जमाने में पूरब में बर्णी जी और पश्चिम में चांदनी स्वामी। जब हमें सबसे पहले तत्व की रुचि हुई तो हमने कहा दो महापुरुष हैं, हमने और भाई साहब ने ये निर्णय किया बैठ के आपस में कि इन दोनों के पास अपन को जाना चाहिए। तो पहली साल हम चांदनी स्वामी के पास गए और 20 दिन तक वहां रहे, तो सब बात जो समझना था समझी, चर्चा करी, बात नहीं सब। दूसरी साल हम बर्णी जी के पास गए, हाँ सिगर जी, सिगर जी में ईसवी में बर्णी जी रहते थे, हाँ आश्रम था, लेकिन उस वक्त वो ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि प्रथम कह सकते, खैर मैं उनकी बात अभी नहीं सुनाऊंगा, वो भी सुनाने लायक है, बहुत मार्मिक है, लेकिन मैं दो आदमी समय साल के प्रगति थे, बर्णी जी को समय साल की आत्मख्याति पूरी कंठस्थ थी। आत्मख्याति समझते हो, ये संस्कृत की जो टीका है
जो संस्कृत में है, और पंडित जी रोजाना उसका पाठ करते थे, आत्मघाती का। स्वामी जी तो 47 शक्तियों का पाठ करते थे। 47 शक्तियां कितनी थी? आधे पेट में आ जाएंगी। और आत्मघाती समझ में आई ना? ये रखा मैं ना, आत्मघाती वो बता रहा मेरा समझ में। ये ऊपर जो काले काले अक्षर दिख रहे हैं आपको, ये आत्मघाती है। ये नीचे बचे जयचंद चावला की है, जो दिल की भी होगी, लेकिन ऊपर जो संस्कृत दिख रही है, ये आत्मघाती है। बर्मी जी को याद की और रोजाना पाठ करते थे। वो भी समय सार के बहुत बड़े भगत थे, और गलत बात। अब दोनों थे, एक बर्मी जी से हमने पूछा, कहा सब लोग कहते थे, सब विद्वान कहते थे कि आप समय सार के क्यों प्रवचन नहीं करते, क्योंकि इनके सामने काला अक्षर तो है, बराबर जानते तो है नहीं, नवकार तो आता नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं, क्या? जब समंतवत महाराज वहां गए ना दक्षिण भारत में, एक के घर में नवोकार मंदिर भी नहीं था, और कोई जानते मोहन नहीं था। आंटी जी तुम्हारे गांव की बात कह रहा हूं, उस समंतवत महाराज ने नवोकार मंत्र छपा के और एक एक घर में नवोकार मंत्र भिजवाया, और उनके कंठस्थ में रटा ऐसी पोजिशन थी। बोलो समंतवत महाराज ने और बर्मी जी ने जो काम किया बुंदेलखंड में, ये बुंदेलखंड के इतने विद्वान दिखते हैं ना, जब कैलाश चंडी वगैरह ये सब, फूल चंडी वगैरह ये सब बर्मी जी की देन थी, और बर्मी जी बहुत बड़े विद्वान थे, हम उनसे बहुत प्रभावित थे, हम ये सारे उनके बारे में। ये कहता है कि इनके सामने क्या सुनाऊं, पहले इन्हें पाठशालाएं खोलूंगा, इन्हें पढ़ाऊंगा, इनके बच्चों को शास्त्री नाती कराऊंगा, उनको उन्हें कंटेस्ट कराऊंगा आदमी। और स्वामी जी अपने जन्या में बैठे, मुझे तुम क्यों आते हो नाई को, ये तो नहीं तो कैसे बैठे घूमते रहते हैं, काला अच्छा घंटा समझते हैं, हिंदी भी नहीं जानते गुजराती वाले, ऐसा हम घबराना नहीं। 12 महीना ऐसे ही होता था, जब शिविर लगता था तो 1500 आदमी भी होते थे, लेकिन शिविर नहीं लगता था तो 10-20-25 आदमी बैठे रहते थे, कोई भी साहब घूमते रहते थे, गुरुदेव भगवान सरकार भी गुरु भगवान आत्मा रहते रहते थे, वे उनके बीच में समय सार पड़ते थे। दोनों समय सार के परम भगत। अब मैं कहता हूं कि बर्मी जी नहीं होते तो हमारे पहले जितने विद्वान हुए, जिन्होंने धवल महाधवल भी छपा के हमारे सामने प्रस्तुत किए, वो विद्वानों की फौज खड़ी नहीं होती, और यदि गांधी स्वामी नहीं होते और वे 19 बार सभा में समय सार नहीं पढ़ते, तो आज गांव गांव में समय सार की करते हैं। 3 दोनों को 1 मिली। एक कहता है अब मैं इस मुसल बोलना नहीं चाहता, इन मूर्खों के सामने क्या प्रमाण समझता, और उनने कहा कि अभी मैं इनकी मूर्खता क्या देखूं, मुझे तो अंदर में आ गया, मैं तो सुनाऊंगा, जिसके भाग्य में होगी वो सुनेगा, कैसे बन जाएंगे बचे रहेंगे, हम कहते हमारे भाग्य में था, इसलिए वो उन्होंने ऐसा भाव आया, अब उसकी कैसे बन गई उपलब्ध होगी, ऐसा कोई आदमी मेरे सामने लाओ। ये लोग कहते हैं ना, ये किसी ने कहा था बीच में, नीति शंकर जैसा काम किया, ये किया था, किया था, सब काम था, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, ऐसा एक आदमी बताओ कि जिसने एक लाइन नहीं लिखी हो, और जिसकी हजारों पेड़ जिसके नाम पर शास्त्र बन गए, बताओ कांगी स्वामी का कितना साहित्य, इतना साहित्य, इतना साहित्य के लोगों को लिखना पड़ा, कांगी स्वामी साहित्य को मंदिर में मत रखना, अब हम तो जानते नहीं थे कांगी स्वामी साहित्य क्या है,
एक अक्षर लिखे बिना कितनी किताबें निष्क्रिय हो गई। देखो कभी कभी मुझे ईर्ष्या होती है भगवान महावीर से, जो होगा हो जाएगा, गांधी दो चार साल से ज्यादा घंटा नहीं रहना समझो, जो होगा हो जाएगा कह देता कह दू। देखो आज महावीर का एक कैसेट हमारे पास उपलब्ध है और गांधी स्वामी के 9000 कैसेट उपलब्ध, 9000 घंटे के प्रचन उपलब्ध हैं, क्योंकि आज महावीर के होते तो क्या हो जाएगा, तो हम सारे दिगंबर से दिगंबर एक होते, इतने कपड़े में नहीं पड़ते। क्यों ये सुन दो महावीर का प्रयोग, महावीर की वाणी के नाम पर जो हमने तुमने लिखी कोई वाणी कह दे घबराना नहीं, मजबूत बात कह रहा हूं, खुद तुमने लिखी वो चल देना, महावीर के नाम पर महावीर वाणी है क्या नहीं, चारों हमें वो महावीर वाणी है क्या नहीं है, तो उनके अनुवाद पंडितों ने किए, ये भी महावीर वाणी है क्या नहीं है, एक पंडित रघुचंद बोल रहा है ये महावीर वाणी है क्या नहीं, असलियत में उनकी दिव्य ध्वनि की एक एक वाक्य का कैसेट नहीं है हमारे पास, एक एक ग्रंथ देव का झूठा हुआ एक ग्रंथ नहीं है हमारे पास, समझ लेना। और कांजी स्वामी के कैसे कैसे वो तो सारे कैसे तो हैं, तब उनमें से जो टेंशन पहले थी वो भी निकाल के क्लीन कर दिए गए है ना, और कई तरीके से हमें उपलब्ध करा दिए गए और उसका सार छापा, उसके आधार पर हमने छापा और अब तो तेरी छापा उनकी खांसी भी छप गई, सुनते हो नहीं सुनते हो, हमारे निवेश भाई जो है ना अनंत भाई जी के पास से गांव गांव में पहुंच गए ना, अक्षर अक्षर लिखी लिखा हुआ वहां से प्रवचन में आता है तो अक्षर अक्षर खांसना भी आता है, यहाँ लिखा हुआ भी आता है और हिंदी में भी आता है गुजराती में भी आता है, इतने इतना प्रचार सामग्री गांव गांव में पहुंच गई, क्यों आपको खुशी है क्या बात कहते पागल हो, हमारे लिए तो बढ़िया से बढ़िया मार्केट तैयार कर दिया, इनको कुछ नहीं आता था, अब इन्हें सब कुछ आता है तो हमें बोलने में कितनी सुविधा देती है, हमारे लिए तो ये सब चीजें सहयोगी है ना, क्यों तो हमारे लिए कोई तुम्हें कैसे सबको खरीदने वाले नहीं थे, मशीन मशीन कैसे तुम प्रचल सुनो हमारे कैसे सुनो सीधी सुनो क्या क्या नाम वगैरह दीदी दीदी हमको जानते नहीं क्या क्या, तो गुरुदेव की वजह से है तो हमारा भी सुनते हैं, चार उनके सुनते हैं तो दो हमारा भी सुनते सुनते कि नहीं सुनते हैं बोला, दीदी का स्वर गुरुदेव का आता है तो अपना भी आता है, गुरुदेव क्या सुनते हैं तो हमारा भी सुनते हैं, हमारा सुनते हैं तो गुरुदेव का भी सुनते हैं, ये तो वो तो एक दूसरे का ऐसे नुकसान नहीं है लाभेदार है, समझ में आया ना, तो ये जो ऐसा कोई महापुरुष कितनी संकट में तीस घंटे कहा तीस घंटे कहा खड़े हो रहा है क्या कह रहे हम समझ नहीं तुम, क्या तुम तीस घंटे कानी स्वामी तीस घंटे तीस घंटे होना, लेकिन तीस घंटे की वाणी है क्या, कानी स्वामी की तो वाणी तीस घंटे उनकी जोर में कहा खड़े हो इतना लिखित साहित्य इतना बोला हुआ साहित्य इतनी वाणी में उपलब्ध है और गांव गांव में यहाँ सुना रहे कि नहीं सुना रहे हैं, सबसे बढ़िया है कि आपका प्रचन होगा पहले गुरुदेव का होगा, हमारे यहाँ तो ऐसा तय था कि पहले छोटे वक्ता का होता है तो बाद में बड़े वक्ता का होता है, क्यों ये लोग पहले निपट गए ना अपन को बाद में, लेकिन यहां गुरुदेव श्री आगे पीछे सब जगह गांव गांव में
जिनकी रोजाना वाणी सुनी जाती हो, लाओ मेरे पास कोई ऐसे एक आदमी, इतने कैसे भी उपलब्ध हम पे लाओ, चैलेंज करता हूं, घबराना नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। यदि जो भी हैं जिनका जो सुने जाते हैं, बहुत बड़े वक्ता माने जाते हैं, उनको ही लाओ, इतने कैसे इतनी वाणी और रोजाना इतने सुने जाते हो, रोजाना उन पर मंथन चलता हो, गांव गांव में गुरुवाणी मंथन सुबह चलते हो, पता नहीं है कोई, उनको तो गए हुए 30 वर्ष से ज्यादा हो गए, 30 वर्ष हो गए ना, कैसा तो है, इसलिए महावीर तो चले गए, लेकिन महावीर चले गए तो भी माने उनके बाद न जो हैं उनके हैं, न जो चले गए न उनके हैं, और न कोई ऐसे लक्षण देख रहे कि भविष्य में किसी के होंगे। तो ये जो दिव्यता है, ये उनके तीर्थंकरत्व के लिए कम प्रमाण है, छोटा प्रमाण है, क्यों न होंगे तीर्थंकर, कुछ भी महापुरुष होंगे, लेकिन वे महान आत्मा है और मोक्ष गारंटी से जाने वाले हैं, ये पक्की हमारी श्रद्धा है, इसमें कोई ग्रंथ मात्र का अंतर नहीं है। क्यों ये ऐसी श्रद्धा मानने को मानना कहते हैं, नहीं मानना, क्यों ऐसी बात आती है, मैं तो चुप रहता हूं, कभी कभी आ जाता है थोड़ा गुस्सा, तो ऐसा मुझे निकलता है कि हम कांजी स्वामी के भगत मिलते नहीं है, तुम हमसे प्रमाण मांगते हो, तुम तो बताओ तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि कल भविष्य में कोई कहेगा कि तुम कांजी स्वामी के भगत हो, इसका क्या प्रमाण है, तुम बताओ तुम्हारे बाप का नाम मिनिस्टर जी ने लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा गया था मिनिस्टर जी ने नाम बाप का नाम, कि तुम कांजी स्वामी के शिष्य लिखा है नहीं, हमारा तो कम से कम 10,000 जगह ये बात लिखी है, बोलो क्या हमने उनको कोट किया, कांजी स्वामी ये कहते हैं, कांजी स्वामी ये कहते हैं, कांजी स्वामी कहते हैं, समय सार में प्रश्न सार में संता की सार में सब में कहते हैं कि नहीं कहते हैं, हमसे प्रमाण नहीं क्यों, अरे हम तो आप बदलना चाहें तो बदल नहीं सकते, कितनी बदल लिख लेते हो चुके क्या, हम तो बदल नहीं सकते, पर तुम कहते हो क्या, अरे हमारा तो उनका नाम होगा तो हमारा होगा, उनकी दुकान चलेगी तो हमारी चलेगी, उनका साहित्य लिखेगा तो हमारा लिखेगा, उनके कैसे लिखेंगे तो हमारे लिखेंगे, समझे, हमारा तो पूरा भाग्य उनके भाग्य से इतना गहराई से जुड़ा है, लौके को तार लौके, समझ आएगा कि हम तो अलग हो ही नहीं सकते, क्या पूछना, देश में विदेश में सब जगह पूछ के आओ कि हम कौन है, पहले ही बैठे कह देगा अच्छा तरह आपको पढ़े वो किरमत बजा वाला, हाँ हाँ वो गांधी धोनी का चेहरा, पहले ही अपने आप ही कह देगा, हमारी तो टोपी देख के लोग कह देते हैं कि गुजराती होगा, सच बोला जयपुर में एक बहुत बड़े डॉक्टर थे सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे हुए, जानते हो कौन राजमंत्री डॉक्टर थे, सुभाष चंद्र बोस की सेना में था और जयपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो जिंदा थे जब हम आए तो हमसे बोलते थे पंडित जी आपके गुजरात में ऐसा होता, नहीं हम गुजराती नहीं है भैया, उनको कई दफे कह दिया लेकिन वो मुझे गुजराती ही मानते थे, आपके गुजरात में ऐसा होता, आपके गुजरात में ऐसा होता, मैं क्या हम तो पेड़ बंदेल गंदी है, हम कहे गुजराती है, दिक्कत है बुंदेलखंडी बुंदेलखंडी नहीं माने, गुजराती गुजराती नहीं माने, तो हम कुछ तो है भगवान आत्मा तो है, यदि हम भगवान आत्मा है यही माना जाएगा तो दुनिया कहेगी ये कांजी स्वामी का चेहरा होगा, तब तो भगवान आत्मा कहा जाता है, मैंने पूछ बोले श्री क्या चीज थे इस पर हम बहुत गहराई से सोचे समझे तो हम बात करें, वो अपना आपको विषय रह गया और उसे कल अपना आगे
अभी हम सभी ने आदरणीय दादा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन कैसा था और पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन से हम सबके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और पूज्य गुरुदेव श्री आज हमारे बीच में किस प्रकार बने हुए हैं, ये सारी बातें हमने सुनी। बातें बहुत है, दादा ने भी कहा कि बातें बहुत है और भी बातें की जा सकती है, लेकिन समय का अभाव था इसलिए हमने अभी संक्षिप्त में सुना। अभी आगे का कार्यक्रम कल सुबह का कार्यक्रम में आपको दो मिनट में बता देता हूँ। अभी आपका बहुत सुंदर निशान पालना झूलन कार्यक्रम होगा, इसलिए आप जाए नहीं। मैनपुरी से बहुत सुंदर पालना आया है, वो पालना झूलन का कार्यक्रम 10 मिनट में प्रारंभ हो जाएगा कल सुबह ठीक 6:30 से 6:45।